अध्ययनं कृतम्। हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक में ये पढ़ा कि कहाँ षष्ठी होती है, फिर उसके बाद एक में तो हमने विकल्प कहाँ कहाँ होता है ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि शेषत्व विवक्षा रहने पर हम षष्ठी कब करते हैं, ये हमने पढ़ा। कल के विषय में हमने ये पढ़ा था जहां पर शेष की विवक्षा नहीं आती है नित्य ही षष्ठी विभक्ति होती है और समास का विधान भी हो सकता है, ऐसे षष्ठी के बारे में पढ़ा था। आज भी उसी क्रम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पे कि षष्ठी ही होनी है, ठीक है, नित्य रूप से जहां पे षष्ठी विभक्ति होगी उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सूत्र है हमारा कर्तृ कर्मणोः कृति, लेकिन कल तक में हम लोगों ने कभी अधिकरण में हो जाना आदि पढ़ा था, आज पुनः हम कर्ता और कर्म में कब षष्ठी होती है, कब अधिकरण में षष्ठी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय के योग में, ठीक है ना। ये हम बहुलता से प्रयोग इसका करते हैं, मतलब बहुलता मेरा यहाँ पर विकल्प नहीं है, यहाँ पे मेरा मतलब है कि बहुत अधिक प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं। जहां पर कृदंत प्रत्यय होता है हम प्रायः करके कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग करते ही हैं, ठीक है, और जब भी कृदंत प्रत्यय रहेंगे तो वहां पर हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। लेकिन अब प्रश्न उठता है हमें कहाँ लगानी है, तो उसके लिए सूत्र है कर्तृ कर्मणोः कृति। कर्तृ कर्मणोः कृति, हाँ ठीक है। कितने पद हैं इस सूत्र में? दो पद हैं। दो पद हैं, कौन कौन से? कर्तृ कर्मणोः कृति। हाँ बिल्कुल सही, कर्तृ कर्मणोः कृति। थोड़ा सा इन सब की विभक्तियां भी बता दें, कर्तृ कर्मणोः में कौन सी विभक्ति है? कर्तृ कर्म षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी द्विवचन। हाँ, और कृति में सप्तमी भी हो सकती है। हाँ हो सकती है। तो हम क्योंकि कर्म में षष्ठी का विधान कर रहे हैं, कर्म के स्थान पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर्म में ही करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे सप्तमी बोलेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ एक में सप्तमी हुई और कर्म यहाँ पे कृति में भी सप्तमी भक्ति है, ठीक है ना। कृति का अर्थ कृते सती, कृति प्रत्यये सति, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। कृत प्रत्यय परे रहने पर, अब हम आते हैं कर्तृ कर्मणोः पे, ठीक है। क्या होता है कर्तर, यहाँ पे समास है कर्तरी कर्मणि च, कर्ता में और कर्म में, कर्तरी कर्मणि च, ठीक है। दूसरा क्या कहा, कर्तृ कर्मणि च, जहां पे कर्ता और कर्म दोनों एक ही हैं वहां पर भी क्या होगा, तो षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। अर्थ स्पष्ट हुआ, कृत परे रहते हुए कर्ता में कर्म में और कर्तृ कर्म में, यह तीनों ही जगह पर षष्ठी का विधान होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम चलते हैं कृष्णस्य सृष्टि या कृति पे, कृष्णस्य कृति, ठीक है। यहां पे धातु क्या है हमारी, लुप्क्रिय धातु करण अर्थ में, ठीक है ना। तो करने वाले कौन है यहाँ पर? कृष्ण, कृष्ण है, तो अर्थात कृष्ण कर्तृक करणम या सर्जनम, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वह कर्ता है। कृति में हमने तिन प्रत्यय लगाया है, स्त्रियां तिन, तिन प्रत्यय देख करके कृदंत प्रत्यय है, उसके कर्ता यानी कि कृष्ण में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ये कर्ता का उदाहरण, क्लियर है?
अगले अगला चले कर्ता में क्लियर हुआ जी कर्ता में तो हो गया। हाँ तो अब हम चलते हैं कर्म में। कर्म का उदाहरण दिया गया है कृष्णः जगत करोति में कृष्णः जगतः कर्ता। ठीक है तो हम यहाँ पे केवल अभी जगतः कर्ता ही ले रहे हैं। कृष्णः में क्या होगा इसकी बात हम अभी आगे वाले सूत्र में पढ़ेंगे। ठीक है आपके मन में अगर यही प्रश्न होगा कि कृष्णः में हमने प्रथमा लगाई है क्या लगाई उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी केवल हम जगतः पे चल रहे हैं। तो जगतः कर्ता जगतः पोषकः विष्णु। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिच प्रत्यय का विधान हुआ है। त्रिच प्रत्यय क्योंकि कर्ता है सॉरी कृदंत है। कृदंत होने के कारण किसी के यहाँ पे टीवी की आवाज आ रही है थोड़ा अपनी वॉइस को म्यूट करें। दीन बंधु पांडे प्रकाश कुमार था और विभव था जी। हाँ म्यूट कर दें आवाज को माइक को। ठीक है जब कुछ बोलना हो जब कुछ पूछना हो तो आप उसमें अपने माइक को फिर ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है तो हम लोग कहाँ पर थे जगतः कर्ता। यहाँ पे कृष्णः जगत करोति ऐसा हमें अर्थ हो रहा है। कृष्ण कर्तृक जगत कर्मक कर्ता। ठीक है तो यहाँ पे त्रिच जो कृदंत है इसका क्रिय धातु का कर्म कौन हुआ जगत हुआ। कौन कर रहा है कृष्ण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जगत कर रहे हैं जगत की रचना कर रहे हैं। तो इसीलिए जगत जो है वह कर्म होने के कारण हम उसमें क्या करेंगे सृष्टि विभक्ति लगा देंगे। स्पष्ट हुई कर्मणः। ठीक है अब हम अगला चलते हैं कि अगला हमारा है ऐसे ही कर्म में एक और उदाहरण देख लेते हैं अपाम सृष्टा वरुणः अपाम सृष्टा। यहाँ भी वही चीज है कि अपाम यह जो है ये हमारी कौन सी विभक्ति हुई ये कर्म है इसीलिए अप में हमने षष्ठी विभक्ति का विधान किया। ठीक है अगला एक उदाहरण हमारा इसमें आप देख सकते हैं कि आगे चल के आपको उदाहरण दिया जाता है वज्रस्य भर्ता। ठीक है या फिर शास्त्रस्य भेदिका। ये समझ में नहीं आ रहा है जो मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसका प्रयोग कैसे करेंगे हो रहा है ये समझ आ रहा है लेकिन किस हिसाब से और किस में करेंगे। अच्छा जैसे देखिए हम प्रायः करके आप क्रिया के अंदर ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करते होंगे। ठीक है या फिर आप और भी कई सारे प्रत्यय करते हैं। ठीक है तो मम पठनम भवती आदि आदि आप कर सकते हैं। दूसरा इसी प्रकार से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पुस्तकस्य पाठः कस्य अध्यायस्य पाठः चलति इदानीं कारकस्य पाठः चलति। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठः कः पठति अहम पठामि वयम पठामः वयम किम पठामः कारकम। तो कारक जो है यह कर्म हुआ। ठीक है तो हमने क्योंकि पट धातु में घई प्रत्यय किया था घई प्रत्यय कृदंत है इसीलिए हम कारक में षष्ठी विभक्ति का विधान करेंगे। जब भी आप कोई कृदंत प्रत्यय लेकर आएंगे तो उसके आपको कर्ता और कर्म में षष्ठी का विधान करना है। क्या ये एक ही उदाहरण में है? हाँ एक ही माइक ऑन एक ही उदाहरण में हाँ? कर्ता और कर्म अगर हम एक ही उदाहरण में कृत का प्रयोग करते हैं तो कर्ता और कर्म में सृष्टि हो जाएगी हो सकती है? नहीं नहीं होगी कुछ जगह होगी और कुछ जगह नहीं होगी। उसके लिए बिल्कुल अभी अगला ही सूत्र आने वाला है।
कृष्णस्य जगतः कर्ता ऐसा प्रयोग हाँ. करते हैं तो नहीं होगा, नहीं नहीं होगा. ठीक है, अभी आगे आने वाला है सूत्र, अगले सूत्र में पढ़ाऊंगी मैं उभय प्राप्तौ कर्मणि. ठीक है ना, तो जहां पे दोनों की प्राप्ति होगी वहां पर हमें कर्म को ही देखना है, इसका अपवाद सूत्र है वह. ठीक है, तो वहां पर हमें कर्म में ही सृष्टि का विधान करना है. फिर उसमें भी नियम है कहां होगा और कहां नहीं होगा. कई कई जगहों पे दोनों जगह सृष्टि का भी विधान है. ठीक है, तो वो चीजें जब हम वहां पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगी. ठीक है, अभी केवल आप लोग इतना समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय जब भी पर में होगा तो हम क्या करेंगे, कर्ता और कर्म और में सृष्टि कर देंगे. ठीक है ना, इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि हम जब भी षष्ठी विभक्त युट प्रत्यय लगा दें, कोई भी प्रत्यय अगर आप कृदंत वाला लगाते हैं तो आप आराम से उससे पहले वाली चीज में षष्ठी का विधान कर सकते हैं. कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हाँ. तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि शस्त्रेण भेता या शस्त्रस्य भेता. ठीक है, यहाँ पे शस्त्र ही जो है वह कर्ता भी है और देवदत्त जो है वही कर्ता भी है और कर्म भी है. यहाँ पर हम देवदत्त में वो षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं कि शस्त्रेण देवदत्तस्य भेत्ता आदि प्रयोग कर सकते हैं. ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई आपको? तो अब हमारी पहली लाइन घटित हुई. कृति में मैंने आपको बताया था सप्तमी विभक्ति है, तो कृत योगे कृत प्रत्ययानाम योगे किम भवति कर्तरी कर्ता में और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है. ठीक है, पहला उदाहरण कर्ता का उदाहरण है, कृष्णस्य कृति ही. ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारा कर्म का उदाहरण है, जगतः कर्ता कृष्णः. कर्ता में कृष्ण कर्ता है और जगत कर्म है, तो इसीलिए जगत में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है. ठीक, अभी कर्त्री कर्मणो कृति में अभी अभी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कर्त्री कर्मणो कृति में सबसे पहला प्रश्न ये आता है, दो प्रश्न हैं अभी यहाँ पर. ठीक है ना, एक प्रश्न ये है कि हमने कृति ऐसा क्यों कहा और दूसरा प्रश्न ये भी है कि हमने कर्मणो क्यों कहा है. बात समझ में आई? एक प्रश्न है कि हमने कर्मणो क्यों कहा, और तो हम ये दो पॉइंट्स पे आज विचार कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कर्त्री कर्मणो, यहाँ पर कर्मणो क्यों कहा गया. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आप देख सकते हैं तुरंत पहले ही आपको, परसों ही मैंने सूत्र पढ़ाया था अधिकर्त दयेशाम कर्मणि, है ना. तो अधिकर्त दयेशाम कर्मणि में कर्मणि है, सीधा सूत्र बोला जाना चाहिए था कि कर्तरी च. वहां से कर्म का अनुवृत्ति हो जाता. हाँ, कर्म के यहाँ पर अनुवृत्ति आ जानी चाहिए थी. और मंडूक प्रवृत्ति अनुवृत्ति भी तो होती ही है, तो मंडूक प्रवृत्ति अनुवृत्ति हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी. और मंडूक प्रवृत्ति क्या अभी तक उसकी चल भी रही थी कर्म की, तो हम ऐसा करके अनुवृत्ति ही कर लेते, क्या दिक्कत थी. हम कर्तरी च ऐसा करके क्यों नहीं सूत्र बना लिए, एक एक ये प्रश्न आता है. तो आप लोगों के पास भी इसका उत्तर, हमने जब अधिगर्त दयेशाम कर्मणि पढ़ा था तो वहां पे हमने कुछ पढ़ा था कि किसी सूत्रों की अनुवृत्ति भी आ रही थी वहां पर, किस किस की अनुवृत्ति उसमें आ रही थी अधिगर्त दयेशाम कर्मणि में, किस सूत्र की अनुवृत्ति आई उसमें, याद है आपको? अधिकर्त दयेशाम कर्मणि पढ़ाते समय हमने किसी सूत्र से अनुवृत्तियां भी ली थी. कर्मणि षष्ठी सूत्र से हमने
शेषे और षष्ठी ये दोनों की ही अनुवृत्ति ली थी, ठीक है ना। तो ये दोनों की अनुवृत्ति आने से अर्थ बन रहा था शेष ग्रह की विवक्षा होने पर कर्म में, यहाँ पे जो कर्मणु है वो ही ज्ञापित कर रहा है, वो व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन दे रहा है कि यहाँ पर ये अलग से कर्मणु लगाया गया है, अर्थात कुछ ना कुछ विशेष बात है। वह विशेष क्या होगा? तो यहाँ पर शेषी की अनुवृत्ति ना आए, ठीक है। शेषी की अनुवृत्ति को हटाने के लिए ही, क्योंकि कर्मणि में जो वहां पर कर्मणि था वहां पे शेषी की अनुवृत्ति आ रही थी, उस अनुवृत्ति को हटाने के लिए ही पुनः कर्तृ कर्मणु स्थिति में कर्म का ग्रहण किया गया है। स्पष्ट हुई बात जी? कोई दिक्कत जी? नहीं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि इन्होंने कृति क्यों कहा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कृत से भिन्न जगहों पे नहीं इसलिए हमने किया है। तो यहाँ पर क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि केवल अगर ये सूत्र करते कर्तृ कर्मणो हो, मेरी बात समझ में आई? तो कर्ता और कर्म क्या होते हैं? कर्ता का कर्ता क्या होता है, मतलब कर्ता का मतलब क्या है? स्वतंत्र होता है। हाँ, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र और क्रियाम यह करोति स कर्ता, व्यापार आश्रय कर्ता कर्ता। हाँ, व्यापार आश्रय होता है, यानी कि क्रिया के अंदर ही आपका वह व्यापार भी व्यापार है, उसी का आश्रय करता है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्रिया ही लेनी है, ठीक। मेरी बात को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो आपके सूत्र में कहा गया है कि तद्विते मा भूत, ऐसा करके सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तद्वित प्रत्ययों में तो वैसे भी प्राप्त नहीं है। क्यों प्राप्त नहीं है? क्या तद्वित से कभी कर्ता होता है क्या? नहीं नहीं, कर्ता किसका होगा? व्यापार आश्रय होगा। व्यापार आश्रय का होगा। व्यापार आश्रय क्या होता है? क्रिया, क्रिया में ही व्यापार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिया व्याप तो यानी कि क्रिया से संबंधित हुआ। अगला चलते हैं हम कर्म पे। कर्म क्या होता है? फलाश्रय कर्म। हाँ, फलाश्रय होता है कर्म, तो फल भी क्रिया के अंदर ही है। अगर पच धातु बोल रहे हैं तो विकलित के अनुकूल व्यापार आश्रय, तो विकलित के आश्रय ओदन है, व्यापार आश्रय देवदत्त है, है ना। तो यानी कि धातु के अंदर ही फल भी है और व्यापार भी है। व्यापार भी है जी। और व्यापार आश्रय यानी कि कर्ता और कर्म ये सभी के सभी धातु से ही आ सकते हैं और शब्दों से तो आएंगे नहीं। अर्थात यदि ये कुछ होगा तो कृदंत को ही होगा, तद्वित को नहीं हो सकता। नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो वैसे भी अगर कृति का प्रयोग नहीं करते तो वैसे भी अगर तो इसका प्रयोग तद्वित में तो होगा ही नहीं, तो वैसे हम कृदंत को ही ग्रहण करते, नहीं प्रयोग कर तब भी कृदंत को ही ग्रहण करते। हाँ, या दरअसल क्या हुआ कि सिद्धांत कौमुदी में जैसे बताया गया है कि तद्विते मा भूत, तो मैं यही बता रही हूँ कि ये तद्विते मा भूत क्यों कहा जा रहा है। तद्विते मा भूत की तो कोई आवश्यकता है नहीं। मेरी बात समझ में आई? अगर ये केवल ये कृति ही केवल कह दें या ना भी कहें कृति, तो भी अपने आप कृदंत तक जा रहा है, ठीक है। तो धातु से ही होगा, तो कहा गया कि लेकिन धातु से तो दो प्रत्यय होते हैं ना, एक तिंग होता है और दूसरा कृत होता है। तो अब प्रश्न होता है कि यदि हम कृति नहीं कहेंगे तो तिंगंत पे रूप चला जाए, तिंगंत में ये सारी चीजें चली जाएंगी। अच्छा जी, तो तिंगंत में नहीं हो इसलिए कृत कहा गया। हाँ, जैसे कि ओदनस्य पचति, ऐसा प्रयोग न होने लग जाए, ठीक है, तो इसीलिए कृति कहा गया। कहा कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए न लोकाव्य निष्ठा कलर्थ त्रिनाम, अभी आप आगे सूत्र पढ़ने वाले हैं, लादेश जहां जहां होगा उसके कर उसमें ये विधान नहीं होगा, षष्ठी नहीं होगी उसमें, तो इसलिए ओदनम पचती ऐसा ही रूप रहेगा। ठीक है, वैसे आपको बता दूं अंतिम में हम तद्धित में ही आएंगे, ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी मतलब एक प्रक्रियाएं हैं कि हमने कृति क्यों कहा, इस बात पर विचार आपको आना चाहिए कि कृति क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इस मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि तद्धिते मा भूत इसके ही होगा कि आप फिर कंफ्यूज ना हो जाएं अंतिम में कि होगा क्या। ठीक है, तो जैसे गम धातु है, हाँ, गम धातु से अगर हम जो तक्तवतु का प्रयोग करते हैं, तक्तवतु का, हाँ हाँ, तो गतवान या गतः का प्रयोग करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, तो क्या उसके साथ होगा षष्ठी व्यक्ति होगी? नहीं वहाँ होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तब तो वो तो फिर जो ये हो जाएगा कृदंत तो नहीं होगा, कृदंत है तक्तवतु तो कृदंत ही है ना, वो तो कृदंत है, हाँ, लेकिन जब वो आता है जब उसका रूप चलता है इस सातों व्यक्तियों में गतवान गतवंतो गतवंत, हाँ तब तो वो फिर कृदंत से भिन्न हो जाता है। नहीं नहीं, कृदंत से भिन्न नहीं होता है, वो कृतद्धित समासार्थक सूत्र है, वो प्रातिपदिक संज्ञा कर रहा है, कृदंत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तद्धितांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। आपका प्रश्न यही है ना कि गतवान रहने पर वह कृदंत है कि नहीं? हाँ, कृदंत है तो फिर षष्ठी क्यों नहीं? हाँ, फिर कृदंत है तो वहां षष्ठी क्यों नहीं हुई? अच्छा, तो अगर ये प्रश्न है तो अभी आप आगे पढ़ेंगे ना लोकाव्य निष्ठा कलर्थ त्रिनाम, ठीक है, तक्तवतु को हम निष्ठा कहते हैं और तो ना लोकाव्य निष्ठा है, तो निष्ठा रहते हुए भी ये नियम नहीं लगेगा, तो यह संदेह होता है कि वह कृदंत रहते हुए भी वहां को षष्ठी व्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि आगे में निष्ठा कहा गया है, इसीलिए तो निष्ठा अतोक्त वतु में कहा गया, फिर तुमुन में भी तो नहीं लगता। एक बात को और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक सूत्र में एक बात को मैं शायद वो आप वैसे मतलब हर सूत्रों में बता रही थी, इस सूत्र में थोड़ा सा आपको ध्यान ही होगा वैसे कि जब हम अष्टाध्यायी में पढ़ रहे हैं तो अनभिहिते का अधिकार चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अनभिहिते कर्तरी अनभिहिते कर्मणि षष्ठी भवती। अच्छा, मतलब अभिहित में तो आपको सोचना ही नहीं है, नहीं है, उसमें तो प्रथमा ही होगी, होगा, ठीक है, वो सबको बाध देगी। और ये जो सूत्र अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं ये मात्र और मात्र अनभिहित में ही लगेगा, अनभिहित कर्ता और कर्म में ही षष्ठी का विधान होगा, तो मयागतम इदान ये सब में वैसे भी प्राप्त नहीं है, अनुक्त कर्ता में लगेगा, मतलब यही ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ। अनुक्त जगह पर ही लगेगा, हाँ। चाहे वह अनुक्त कर्ता हो या अनुक्त कर्म हो, कर्म उसी में ही लगेगा, कर्म बात छोड़ के, कर्म बात भाव बात छोड़ के, हाँ। अच्छा, यहाँ जो है अक्तवतु निष्ठा है, मान लीजिए निष्ठा संज्ञा में नहीं लगेगा, लेकिन तुमुन प्रत्यय में तो लगना चाहिए कि तो निष्ठा संज्ञा नहीं होती, हाँ तुमुन में लगना चाहिए, लेकिन एक सूत्र ये न लोकाव्यय में अव्यय है, ठीक है ना, तो अव्यय होने के कारण कृन में जंतः सूत्र है, मांत की अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो मांत की अव्यय संज्ञा हो जाने के कारण ये अव्यय कहलाए, ठीक है ना, तो अव्यय में भी ये नियम नहीं लगेगा, ये अभी केवल आप सामान्य नियम पढ़ रहे हैं, अभी इसका कुछ कुछ निषेध सूत्र भी आगे है, बहुत कंफ्यूजिंग, ठीक है ना, हाँ, इसमें फिर सत्ती सांच में भी नहीं होगा ये, क्या क्षत्रिय प्रत्यय में भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्षत्रिय प्रत्यय में होगा, पहले बताओ क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्योंकि अगला सूत्र कहा गया था न लोकाव्य निष्ठा त्रिनाम, क्या न लोकाव्य निष्ठा कलर्थ त्रिनाम सूत्र में यह आया है, इसलिए
क्या आया है वहां तो देखा गया है कि अकुर्बन कुर्बानो वास सृष्टिम हरि ही यहाँ का। देखिए अभी मैं इसी के बारे में भी बात करने वाली हूँ कि क्या हम यहाँ पे फिर हम ऐसा करते हैं क्षत्रिय में करेंगे कि नहीं करेंगे, ओदनस्य पचन ऐसा रूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ओदनस्य पचमान रूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि हम लकार की जगह ही जी जी लटह क्षत्रिय शानता व प्रथमा समानादि के द्वारा लादेश की जगह ही शक्ति और शाने हो रहा है, इसलिए नहीं। ल की जगह जो भी आदेश हो रहा है उसके रहने पर भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी जी ठीक है। इसी के साथ साथ में एक और प्रयोग भी ऐसे ही करके आता है हमारे सामने कि जैसे ओदनम पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः, यहाँ पे देवदत्तेन और ओदनम में क्या षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए? वहां भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? वहां भी लादेश है। हाँ नहीं, लादेश कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पर पाँच तो तिंगंत में आ रहा है ना। हाँ पाँच तो यहाँ पे अनिच प्रत्यय भी है ना। हाँ अनिच प्रत्यय है, अनिच प्रत्यय हाँ, है। तो फिर कहा गया कि हम इन सब में छोड़ दें, इसीलिए तो कहा अच्छा। नहीं लेकिन यहाँ पे भी इसको भी हम लादेश में ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो अंतिम में जाकर हम पहुंचते हैं कि तद्वित प्रत्यय ही बचते हैं, तद्वित प्रत्ययों में नहीं होगा, ठीक है जी जी जी। अब कहा गया कि शायद आप लोग भूल गए हैं, किसी ने ऐसा कहा कि अभिधानम तो कृत तद्वित समासे ही, आप लोगों ने पढ़ा है कि शतेन क्रीतः शत्यः, जी ठीक है। तो यहाँ पे अभिहित होने पर भी तद्वित में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहा नहीं, कुछ और भी प्रयोग है जहां पर कि हम इसको लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कहां पे तो कृत पूर्वी कटम, कृत पूर्वी कटम मतलब कि हमने कट मतलब चटाई, ठीक है, चटाई को पहले कर दिया गया, बनाया गया है, चटाई बनाई गई, क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं समास के ऊपर कि ये बना कैसे है जी, ठीक है। कृत पूर्वी कटम, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कठिन विषय है। कृत पूर्वी कटम, पहले हम कृत पूर्वी को बनाते हैं, कृत पूर्वी कैसे बनेगा? कृतम पूर्वम अनेन इति कृत पूर्वम, कृतम पूर्वम अनेन, पहले किया गया है, या कृतः पूर्वः अनेन। किंतु आप अभी लिख रहे हैं तो सिद्धांत वाक्य लिखिए, कृतम पूर्वम अनेन लिख लीजिए, परी यही है, ठीक है। कृतम पूर्वम अनेन कृत पूर्वः, ठीक है। सपूर्वाच्च सूत्र से इसमें इनी प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, उस अर्थ से बनता है कटम कृत पूर्वी, क्लियर हुई बात हो रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पर सारी चीजों पर। तो हमने विग्रह किया कृतम पूर्वम अनेन इति कटम, जो तद्दिते माभूत कहा गया होगा तो वो क्यों कहा गया होगा? कि इसमें प्राप्ति होगी पहले जी, जब भी हम बताते हैं यहाँ नहीं हो मतलब यहाँ पर होना था, प्राप्तो सत्यम निषेधा होता है। हाँ तो अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे प्राप्ति थी कि नहीं थी, ठीक है। तो चलते हैं कृत पूर्वी कटह में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास क्रिया क्या है यहाँ पर कृत पूर्वी में? कृत कृत, ठीक है। क्या किया गया? कटम कटम। तो इसकी जो क्रिया का
जो कर्म है वह है कट कट, ठीक है ना। तो कट कर्म होने के कारण इसमें यदि हम सूत्र में यदि हम कृति नहीं कहते, सूत्र में यदि हम कृति शब्द नहीं देते, तो क्या होता कि कृत क्रिया है, हमने क्रिया बोला ना, क्रिया का जो कर्म है वह क्या है हमारा, कट है। कट में षष्ठी विभक्ति होने लग जाती, उसको निषेध करने के लिए ही सूत्र दिया गया है कृत पूर्वी ये कृति शब्द, ठीक है ना, कर्तृ कर्मणोः कृति। समझ में आई कि नहीं? तो कहा गया कि आप जो पहले कृतम पूर्वम अनेन, अब हम इसमें चलते हैं, अब इसके विग्रह के वाक्य पे, ठीक है। सिद्धांत आपको पता चल गया, सिद्धांत यही है कि कृत पूर्वी कटम में कृत पूर्वी कृतम पूर्वम अनेन, ठीक है, ये होकर के कृतम जो है क्या किया गया, ये अपेक्षा होने पर कट आएगा सामने। कट जो है यह कर्म है, इस कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा, हो जाता, किंतु कृति शब्द सूत्र में जो कहा गया है उसके द्वारा इसका निषेध किया गया है कि तद्दिते मा भूत, तद्दित में ही ऐसा एक प्रयोग है जहां पता चल रहा है कि नहीं होगा। क्लियर है? मेरी बात आ रही है रचना समझ में? पूरी तरह नहीं। क्या नहीं समझ में आया? कृत पूर्वी कटम नहीं आया कि सूत्र नहीं आया पूरा? कृत पूर्वी। अच्छा, सूत्र आ गया समझ में? सूत्र क्या कह रहा है, क्या कृत प्रत्यय सपना भी होंगे, उन्हें कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। हाँ, कृत प्रत्यय परे रहते हुए कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। कृत पूर्वी कटम से पहले मैंने क्या प्रश्न उठाया है कि सूत्र में हमने क्या प्रश्न उठाया हमारा, कृति शब्द क्यों कहा है, कृति पद के लिए ही यहाँ पर प्रत्युदाहरण में दिया गया है कि तद्दिते मा भूत। आपके पास अगर सिद्धांत कॉम्पी है तो देखिए लिखा हुआ है तद्दिते मा भूत, तद्दित प्रत्ययों में नहीं हो, ठीक है, यानी कि तद्दित प्रत्यय में हो कभी मतलब प्राप्त होगा, अगर हम कृति नहीं देंगे तो तद्दित प्रत्यय में प्राप्त होगा तभी तो आप निषेध करोगे, ठीक है। मान लीजिए कि जो प्राप्त ही नहीं है हम उसका क्या निषेध करेंगे, मान लीजिए कि अभी आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं, मैं अब बताऊं आपको कि आप यूनिवर्सिटी मत आइएगा, कोई मतलब है भी लाइन बोलने का इस लाइन का, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं क्या, ठीक है ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, मैं लॉकडाउन टाइम पे बोल रही हूँ कि यूनिवर्सिटी मत आना, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो जो प्राप्त है उसका निषेध करो, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध क्यों करना है, जिसने व्रत कर रखा है मैं उसको कहूंगी खाना मत खाना, अन्न मत खाना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। तो हम यही बात किसको कह सकते हैं, जिसने व्रत नहीं कर रखा है तो उसको तो दंड दें, ठीक है, खाना मत खाना, समझ में आती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पहले प्राप्ति होगी, तो हम देखते हैं प्राप्ति कैसे है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, विग्रह करेंगे कृत पूर्वी कटम का। क्या विग्रह करेंगे, कृत पूर्वी कटम का क्या मतलब हुआ, जिसने चटाई बनाई गई, ऐसा अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, चटाई बनाई गई, हाँ, ठीक है ना। तो कट को कटम कृतवान ऐसा अर्थ होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम तद्दित प्रत्ययों को पहले समास करते हैं, क्या समास करते हैं, कृतम पूर्वम अनेना, इससे बनता है कृत पूर्व शब्द बनेगा, ठीक है, क्या शब्द बनेगा, कृत पूर्व, ठीक है, इससे इनी प्रत्यय हुआ तो मतलब बन गया कृत पूर्वी, इनी प्रत्यय
कृत पूर्व से इनी प्रत्यय होगा, बनेगा कृत पूर्वी कटम। ठीक है, अब हम कहेंगे कि यहाँ कृत पूर्वी में आपने क्रिया क्या देखी? कृत 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 कृतम क्रिया है ना, तो क्या किया गया? कटम कटम कट किया गया। तो कट क्या हुआ, कर्ता है कि कर्म है? कर्म है। कर्म समझ आई, कर्म क्यों है? किसी ने किया होगा तो कर्ता की क्रिया के द्वारा इच्छित जो है वह है कट, तो कट जो है यहाँ पर कर्म है। ठीक है, तो इस कर्म में षष्ठी की प्राप्ति है, किंतु उस षष्ठी का निषेध करता है कृति शब्द। यदि हम कर्तृकर्मणोक्ति सूत्र में कृति पद देंगे तभी इसका निषेध होगा, अन्यथा नहीं होगा, वरना कटम में भी षष्ठी हो जाती है ना। हाँ, वरना कटम में षष्ठी की प्राप्ति थी। आप समझ गए? हाँ, एक मिनट। तो हम आगे चलते हैं कि तो उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार से ये अर्थ समझ में आया। अगला हमारे पास, हम इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि हमने अर्थ में अभी जो विग्रह लिया था उसमें क्या किया, कृत के साथ कट को नहीं देख रहे हैं, कृत पूर्वी के साथ नहीं देख रहे, कृत की सापेक्षता देख रहे थे हम कट के साथ, है ना। तो हम यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम ये विग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं कि कृतः कटः पूर्वम अनेना, कृतः कटः पूर्वम अनेना। ठीक है, तो कहा गया कि कृतः कटः पूर्वम अनेना, हम ये विग्रह इसीलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यदि हम ऐसा विग्रह देखते हैं तो समास नहीं होगा, क्योंकि समास क्या कह रहा है, समर्थ पद विधि, एक पद को दूसरे पद के साथ सापेक्षता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सापेक्षता हमको कृत और पूर्व में दिखानी पड़ेगी तभी कृत पूर्व बनेगा। कटह यदि पहले शब्द बन हो जाएगा तो कृत का सापेक्षता इसमें बनेगी, कटह में चली जाएगी। क्लियर हुई बात? सापेक्षता समझ में आ रही है? यदि हम कृत पूर्वी कटह कहते हैं, कटम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कृत की सापेक्षता कट में चली जाएगी, पूर्व में नहीं जाएगी, इसीलिए यहाँ पर समास नहीं होगा, इसीलिए हमें कृतम पूर्वम अनेना ये विग्रह करना चाहिए। क्लियर है बात? दूसरी बात, ये विग्रह इसीलिए भी सही नहीं है, यदि हम ऐसा कहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था सूत्र में अनविहिते का अधिकार चल रहा है। ठीक है, तो कृतः कटह में जो कट है वह क्या है, अभिहित है। ठीक है, तो अभिहित होने के कारण वहां पे द्वितीय भी नहीं, द्वितीय की भी प्राप्ति नहीं होगी, षष्ठी की भी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक, क्लियर हुई यहां तक बात? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि सीधा आप ये समझिए कि कृतंत प्रत्यय हो जिस घर, ऐसा करके प्राचीन वैयाकरणों ने कहा जहां पर कृतंत प्रत्यय रहेंगे वहीं पे कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कृत पूर्वी में क्योंकि कृदंत नहीं है इसीलिए यहाँ पे षष्ठी का विधान होगा, षष्ठी का विधान होता लेकिन हम इधर द्वितीय करेंगे। समझ में आई कि नहीं जी? मेरी बात समझ में आई कि पूछा जा रहा है कि कट
और कृतः, इन दोनों में सापेक्षता है तो हम इन दोनों को क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हम कट के साथ कृतः को लेकर के यहाँ पे कृदंत कृत पूर्वी में पहले कृदंत प्रत्यय भी है कृत में, ठीक है, उसके बाद हम समास कर रहे हैं ना, तो कृत के साथ यदि कट की सापेक्षता है तो हम कट में षष्ठी विभक्ति का विधान कर्त्री कर्मणों कृति से क्यों नहीं लगा सकते? प्रश्न समझ में आया क्या? प्रयोग क्या दिया गया है? कृत पूर्वी कटम, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कृतः कटः, ठीक है। मैंने प्रश्न में भी आपसे क्या पूछा गया, पूछा कि क्या किया गया, तो आपने बोला कट, यानी कि कृत का कर्म क्या है, कट है। किसका कर्म है वो? कृत का। हाँ, तो अब क्या होगा कि इस कर्म में षष्ठी की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि कृत जो है ये कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। तो कहा गया कि लेकिन न लोका वे निष्ठा कलर्तना, उसका निषेध कर रहा है, तो जब प्राप्ति ही नहीं है तो हम फिर उसके सद्यते प्रत्यय मा भूत ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात समझ में आई जी कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ तक समझ है, आ रही आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम पहले कृतम जो प्रयोग है इसको अलौकिक दिशा, अलौकिक दशा में ही नपुंसक भाव भाव में त प्रत्यय कर रहे हैं, कर्म में त प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भाव में त प्रत्यय होने के कारण जो ये कट है वह अनुक्त रहेगा और कर्म में हमारी सृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से इसका इसका उत्तर है। मेन जो है आप ये समझिएगा कि कृदंत प्रत्ययों के योग में सृष्टि का विधान होता है, ऐसा करके प्राचीन वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित पर्यंत लोग कहते हैं। बात समझ में आई? कहाँ तक के लोग? हाँ, यहाँ तक के लोग आप ये बता रहे हैं कि यदि अंतिम में कृदंत प्रत्यय होगा तो हम वहां पर षष्ठी का विधान कर लेंगे, ठीक है। किंतु लघु शब्देंदु शेखर में नागेश भट्ट का कहना है, बस एक लाइन है इसमें, कि हम यहाँ पे ये नहीं मानेंगे यदि वृत्ति के साथ किसी का संबंध है तो हम वही मान, जैसे एक प्रयोग है ओदनम पाचक तमः या ओदनस्य पाचक तमः, ये होगा कहा गया तद्धित प्रत्यय मा भूत, तो कहा गया कि क्या ओदनस्य पाचक तमः यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? ओ पाचक तम कैसे बना है? पूरा रूप बताइए। धातु है उसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? तम प्रत्यय। तम प्रत्यय हुआ है ना? नहीं, पहले नवल प्रत्यय। पाचक तम, पाचक तम है, पाचक तम, ठीक। अब अतिशायने तम विष्टनौ से तमप कर लो, क्रिया से हम तमप करते हैं, ठीक है ना, तो अब पाचक तम बन रहा है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि क्या यहाँ पे जो ओदन है, ओदन का पाचक ऐसा होगा? पाचक तम का मतलब बहुत ज्यादा सिद्ध करना, ठीक है ना। तो क्रिया के साथ में भी तरप और तमम आदि सब कुछ लगता है, यहाँ पर क्या हुआ कि पाचक तम ऐसा रूप अगर बनता है तो कहा गया कि यहाँ पे भी हम ओदनम बनाना चाहिए, ओदनस्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो भट्टोजी दीक्षित पर्यंत लोगों ने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि तद्धितांत है इसीलिए हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शब्देंदु शेखर में, लघु शब्देंदु शेखर में कहा गया है कि पाचक जो है शब्द, यह पहले ओदन का संबंध पाचक से हो रहा है,
पहले ओदन का संबंध पाचक से हो रहा है, इस प्रकार से ओदनम पाचक तमः, ये रूप बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, ओदनस्य पाचक तमः ऐसा ही बनेगा। हमें देखना होगा कि हमने क्या शब्द लिया है, उसमें से जो सापेक्षता है वो हम किसके साथ बिठा रहे हैं। यदि आप कृदंत के साथ में सापेक्षता दिखा रहे हो तो उसके कर्म में हमें षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि तद्धित के साथ सापेक्षता है तो वहां पे षष्ठी विभक्ति नहीं है, ये है कि तो तद्धित प्रत्ययों की सापेक्षता रहने पर षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं हो, इसीलिए कृति शब्द दिया गया है। क्लियर है बात? गृह्यमान जगह पर होता है, इसके लिए आपके भट्टी काव्य में भी एक श्लोक भी है और ये बात शब्देंदु शेखर, लघु शब्देंदु शेखर में भी कही गई है, आप बाल मनोरमा में अपनी देख सकते हैं। मैं आपको इधर से पिक भी दिखा देती हूँ, देखिए ये सूत्र है, क्या है, ददैर दुखस्य मातृभ्यो धायैरामोदमुत्तमम् लिम्बैरिव तनोर्वातश्चेतयान् स्याज्ज्वलो नखः। यहाँ भी बताया गया है कि भट्टी काव्य, तो ये व्याकरण, इसमें व्याकरण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतने बड़े विद्वान हैं, ठीक है, वैयाकरण हैं, तो इन्होंने भी ऐसा किया है कि वृत्ति गृहित शब्दों को लिया है। मेरी बात समझ में आई कि जो कई बार बोला नहीं गया है कुछ और अर्थ में उसको भी लिया है, कहां लिया है तो इसको थोड़ा सा देखिएगा फिर से, देखिए ददैहि में ण प्रत्यय होने के कारण दुखस्य में जो षष्ठी विभक्ति है ये कर्तृकर्मणो कृति के कारण है, ठीक है। अगला है यहाँ पे धायी, ण प्रत्यय होने के कारण धाय शब्द बनता है, तो धायी के योग में आमोदम उत्तमम, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी थी किंतु यहाँ पे षष्ठी विभक्ति कृदंत के योग में भी नहीं हुई। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका इसका जो योग है वो धायी के साथ न होकर के धायी गृहित ऐसा करके अर्थ होगा, धायी गृहितम। मेरी बात केवल इतनी है, ये श्लोक मैंने आपको इसलिए दिखाया कि शब्द नागेश भट्टी जी का कथन ये है इस सूत्र में कि हम वृत्ति गृहित शब्दों के द्वारा षष्ठी और द्वितीय का विधान करेंगे। क्लियर हुई बात? हम वृत्ति से लेंगे, नहीं समझ आ रहा है या मन को ऐसा बना लिया है कि समझना नहीं है शेखर का नाम सुन के, जबकि ऐसा है नहीं, इजी है सारी बातें। बस सीधा ये है, देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है, अनभिहित कर्ता में अनभिहित कर्म में कृत प्रत्यय परे रहते हुए षष्ठी विधान होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये तो समझ गए, ठीक है। कृति का मतलब हमें दो चीज ले लेनी है, कृदंत प्रत्यय भी लेना है और कृत के साथ जिसका अन्वय हो वो भी लेना, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा और सब जगह पर ये समझ, ठीक है। क्लियर हो गई अब? सूत्र क्लियर है ना? तो हम अब आगे चलते हैं, आगे का वाक्य, गुण कर्मणि वा इष्यते, गुण कर्मणि वेष्यते, ठीक है। मैं हमेशा पूछती हूँ, कितने पद हैं पुनः बता दीजिए इस वार्तिक में? तीन। तीन कौन कौन से? गुण कर्मणि वा और इष्यते। हाँ, वा मतलब विकल्प, विकल्प कहाँ पे? गुण कर्मणि, गुण कर्मणि क्या होता है? गौणी कर्मणि,
गुणभूते कर्मणि, मतलब गौण कर्म में क्या होती है, विकल्प से षष्ठी का विधान होगा। गौण कर्म क्या होता है, हमने द्विकर्मक धातु पढ़ी थी, तो याद बच्चदंड है ना, अकथितम च सूत्र पढ़ा था आपने सविता मैम से, तो सविता मैम ने आपको बताया था वहां पर क्या होता है, कई सारे शब्द जो कर्म नहीं होते वस्तुतः, अपादान होते हैं, कई अधिकरण होते हैं, किंतु हम उसकी भी कर्म संज्ञा करते हैं। तो वहां पे जितनी भी धातुएं आप पढ़ रहे होंगे साथ में गति भी ले लीजिए, वहां ये सभी धातुओं में आपको द्विकर्मक धातुएं मिल रही हैं। ठीक है, एक वो धातु है जो कि प्रधान कर्म की, जिसकी जिसकी कर्तु रीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम्, इन दो सूत्रों से कर्म संज्ञा होती है, वो होती है प्रधान कर्म। ठीक है, और जो भी सारे बच गए, ये जो दो सूत्र अकथितम च और दूसरा गति बुद्धि, ये बात वहां की चल रही है जहां पे द्विकर्मक हो, तो केवल इतने ही सूत्रों में द्विकर्मक हो सकते हैं। ठीक है, तो द्विकर्मक जहां पे शब्द धातु रहेगी वहां पे वो कर्तुरीप से तत्म कर्म के द्वारा जहां कर्म संज्ञा होगी वो प्रधान कर्म है, और कथितम च के द्वारा जिसमें कर्म संज्ञा करेंगे वो गौण कर्म है। उन गौण कर्म में हमको क्या करनी है, षष्ठी विभक्ति का विधान करना है विकल्प से। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं पहला हम उदाहरण देख सकते हैं, क्या था उदाहरण पहला दू का, नेता अश्वस्य सुघनस्य सुघनं वा। हाँ चलिए यही कर लेते हैं, यहाँ पर बताया गया है इसको हम पहले नी धातु में आपने पढ़ा होगा एक उदाहरण, देवदत्तः अश्वम सुघ्नम नयति, देवदत्त जो है वह अश्व को, सुघ्न जो है वह एक देश का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, तो वहां पर ले जाता है। ठीक है, तो नयति इसमें हमने कर्ता अर्थ में त्रिक प्रत्यय किया नी धातु से, तो बना हमारा नेता, नेता। ठीक है, कौन ले जाने वाला है, देवदत्त नेता। यहाँ पे किसको ले जा रहा है, अश्व को ले जा रहा है, इसीलिए अश्व जो है वह प्रधान कर्म है। क्योंकि कर्तु रीप्सित तमं कर्म से हो रही है, और कहाँ ले जा रहा है, सुघ्न, तो ये सुघ्न जो था वह देश अधिकरण होता, उसकी हमने विवक्षा में कर्म संज्ञा की थी। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे गौण कर्म, इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी, इसमें षष्ठी विभक्ति भी होगी और द्वितीय विभक्ति भी होगी। इसी प्रकार से हम पहला उदाहरण द्विआच में देखिए, क्या था हमारा पहला उदाहरण, गाम दोग्धी पयह गोपालह, गाम पयह दोग्धी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, दोग्धा गोपाल, गोपाल जो है गाय से दूध निकालने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि हम किसमें षष्ठी और द्वितीय दोनों के दोनों करेंगे, और किसमें नित्य षष्ठी होगी, क्या दो रहा है, दूध गाय में होगा, तो गोपाल पयह दोग्धा। आगे हम चलते हैं, क्या किधर से, तो गाय से, तो गाय जो थी वह पादान भी थी, तो इसीलिए गाय जो है यहाँ पे इसके गौण कर्म हुआ, गौण कर्म करने के कारण इसमें हम गाम भी बोल सकते हैं और गोह भी बोल सकते हैं, गोपाल गाम गोह वा पयह दोग्धा, ऐसा करके आप बना सकते हैं।
कोई दिक्कत जी नहीं। याच में थोड़ा सा बनाइए, याच बलिम याचते वसुधाम, आमनः बलिम वसुधाम याचते। याचते का हम याचिता कर देते हैं, याचकः कर देते हैं, याचिता याचकः। ये क्या प्रधान कर्म है और क्या बलि? बले बल को, बल ये जो बलम है यहाँ पे इसको षष्ठी कर देंगे। बल नहीं है वो, क्या है? बलि है। बलि 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 बलिम बलि प्रधान कर्म है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गई, ये मुझे लग रहा है वार्तिक आपको स्पष्ट हो गया है सभी को जी। तो हम जी। फिर आगे चलते हैं जी। ठीक, तो आगे में सूत्र है हमारा उभय प्राप्तौ कर्मणि। उभय प्राप्तौ कर्मणि, प्राप्तौ कर्मणि, हाँ उभय प्राप्तौ कर्मणि। ठीक है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिछले सूत्र में, क्योंकि ये सूत्र बिल्कुल कर्तृकर्मणोवृत्ति सूत्र के जस्ट बाद में है, तो यहाँ पर भी कृति की अनुवृत्ति आ जाएगी। उभय प्राप्तौ कर्मणि कृति, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी कितने पद हुए हमारे पास? दो पद हैं। है, कौन कौन से हैं? उभय प्राप्त और कर्मणि, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे उभय प्राप्त में बहुव्रीही समास है, ठीक है। उभयोः, उभयोः मतलब किन दोनों की? दोनों, कौन दोनों? कर्मणोः। प्राप्तिर्यत्र, ठीक है, यस्मिन प्रत्यये, तो किस क्या परे रहने पर दोनों की प्राप्ति होती है? कृत प्रत्यय परे, कृत प्रत्यय परे रहने पर कर्ता और कर्म इन दोनों की प्राप्ति होगी। तो वहां उन दोनों में से हम कर्म में ही क्या कर देंगे? षष्ठी का विधान करेंगे। क्लियर है ये बात? जी। उभय प्राप्तौ दोनों की, यानी कि कर्ता और कर्म की दोनों की प्राप्ति हो जिसमें, ऐसे बहुव्रीही समास हुआ, तो कर्ता और कर्म की यहाँ प्राप्ति होगी, उन दोनों में से कर्म में ही क्या होगा? षष्ठी का विधान होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमने सप्तमी विभक्ति कैसे लगाई? कर्तृ कर्मणोः षष्ठी विभक्ति कैसे लगी? कर्मणि एव, कर्ता और कर्म की प्राप्ति होने पर कर्म में ही होगा। यहाँ पे किस सूत्र से हमने सप्तमी विभक्ति लगाई है? यतश्च निर्धारणे, निर्धारण करने के। हाँ ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके उदाहरण पे। आश्चर्यो गवाम दोहः अगोपीनः, बस एक ही लाइन, ये यही लाइन समझिए, गवाम दोहः अगोपेन, ठीक है। दो यहाँ पे क्रिया क्या है? दोह, दोहन क्रिया, दोह धातु जो है उसमें क्या है? यहाँ पर घई प्रत्यय करने पर दोहः बना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? कर्ता और कर्म ये दोनों हैं, कर्ता और कर्म, कर्ता कौन है, कौन दोह रहा है? आचार्य। हाँ गोपः, अगोपः, अगोपः कर्ता, अगोपः कम दोहति, कम दोगति, गाम गाम गाम, तो गाय में यहाँ पर गाय
में है, तो आपने देखा दोहह रहने पर यहाँ पे कर्ता में भी प्राप्ति है और कर्म में भी प्राप्ति है षष्ठी विभक्ति की, किंतु हम यहाँ पर कर्म में ही षष्ठी करेंगे। ठीक, क्लियर है? मैं कर्म में ही षष्ठी करेंगे तो कर्म यहाँ पर दोहना होना चाहिए, प्रमुख कर्म जो है। कर्म ये तो क्रिया है ना, दोहना। हाँ नहीं सॉरी, दोहना क्रिया हुई। हाँ, क्रिया का कर्म क्या है? गाय को दो रहा है, दूध कर्म हुआ ना मैम। हाँ, लेकिन दूध तो यहाँ पर वाक्य में नहीं कहा गया है। हाँ, तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं निर्धारण होगा कि गाम दो जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो क्या गाय यहाँ प्रधान कर्म नहीं होगी? अगर हम पयह बोलेंगे तो वहां पर हो सकता है, किंतु अभी यहाँ पे नहीं हुआ। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया है क्या हिंदी अर्थ इसका है कि गाय दोहता है, अगोप जो है वो गाय दोहता है, ऐसा सीधे कहें? हाँ, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि गो अगोपेन पयह, तो यहाँ पर होगा अगोपेन पयसह गवाम गोहवा दोग्धी दोहह। ठीक है, क्लियर है? ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो प्रश्न जो यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि हम यहाँ पे बहुव्रीही समास क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अभी अभी सूत्र हमने तुरंत ही पढ़ा है, कर्ती कर्मणो हूं, तो वैसे दोनों आ जाएंगे, कर्त्री कर्मणो हो प्राप्तौ कर्मणि। ठीक है, कर्ता और कर्म की प्राप्ति होने पर कर्म में क्या हो जाता है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है, ऐसा करके अर्थ बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ठीक, तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां प्रादुर्भावश्च, ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पच धातु में घई प्रत्यय करने पर पाकः बना है, ठीक है, और प्रादुर्भावः भी भू धातु से घई प्रत्यय भाव बना है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने की चीज ये है कि प्रादुर्भाव का कर्ता ब्राह्मण है, ठीक, पाकह का कर्ता, पाकह का कर्म ओदन है, ध्यान रखिएगा। तो इस वाक्य में कर्ता और कर्म इन दोनों में षष्ठी की प्राप्ति है कृदंत के आश्रय होने पर, हो रहा है ना? समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या उदाहरण दिया, मैं क्या वाक्य बोल रही हूँ? मैंने वाक्य क्या बोला? ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः। क्या वाक्य बोला? ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः। हाँ, तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सी क्रियाएं बोली हैं? पाक और पाकः प्रादुर्भावः। प्रादुर्भावः, ठीक है। तो पाकः कः पाचयति, कौन पका रहा है? देवदत्तादि। देवदत्तादि, हाँ। आगे चलते हैं कि अगला हमारा बनता है प्रादुर्भवन्ति, के प्रादुर्भवन्ति? ब्राह्मणाः। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रादुर्भाव का जो कर्ता है वो कौन है? ब्राह्मणाः। ब्राह्मणाः है, तो ब्राह्मणाः में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रादुर्भाव में हमने कृदंत प्रत्यय दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ ये कर्ता में षष्ठी विभक्ति हम कर भी रहे हैं, ठीक है, कर्ता है ये। अगला चलते हैं, हम लोगों ने देखा पाकः, पाकः कहने पर कौन पका रहा है? देवदत्त पका रहा है। क्या पका रहा है देवदत्त?
ओदनम ओदनम पका रहा है तो ओदन क्या हुआ, कर्म हुआ, कर्म हुआ। तो हमने क्या बोला था उभयोः, अगर हम षष्ठी समास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा उभयोः प्राप्तौ, जहाँ कर्ता और कर्म की प्राप्ति है वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म में ही सृष्टि होनी चाहिए। तो ब्राह्मणानां प्रादुर्भावः ये वाक्य अशुद्ध बन जाएगा अगर हम एक ऐसा वाक्य बनाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कर्ता है ब्राह्मण और पाकर है ओदन, ओदन है कर्म, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म में सृष्टि की प्राप्ति है और उसमें से कर्म में सृष्टि होनी चाहिए थी, केवल ओदनस्य होना चाहिए था, ब्राह्मणाः बनना चाहिए था या ब्राह्मणेन बनना चाहिए था, तो यहाँ पे ब्राह्मणानाम कैसे बन गया, तो उसी के लिए बताया गया है कि उभय प्राप्तौ कर्मणि में हम कौन सा समास लेंगे, उभय प्राप्तौ में बहुव्रीहि समास लेंगे। बहुव्रीहि समास लेने पर अर्थ बन जाएगा एक ही प्रत्यय के योग में, एक ही प्रत्यय हो निमित्त जिसका, उसके ही कर्ता और कर्म में जब षष्ठी प्राप्ति होगी तो उसमें हम केवल कर्म में ही षष्ठी करेंगे। स्पष्ट हुई मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होगा, हमें दो क्रिया मिल जाएगी, हमें एक पाचक हमें नवल प्रत्यय अलग मिल रहा है, प्रादुर्भाव हमें अलग नहीं प्रत्यय मिल रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी और ब्राह्मणानाम में षष्ठी विभक्ति ही रहेगी कर्तृकर्मणोपकृति से। ठीक है ना, क्लियर हुई जी मेरी बात? क्या पूछो, कौन पूछ रहे हो बेटा? हाँ दीन बंद, हाँ पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ जी, मैं पूछ रहा हूँ मैम, एक में ही है उदाहरण की ओदनक से पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः, ये एक ही उदाहरण है या अलग? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कई सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर हम ऐसे भी तो बता सकते हैं, जैसे हमने ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः ये अलग किया है। हाँ नहीं, और भी उदाहरण है, जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि नहीं, इनका इनका कहना है कि ओदनस्य पाकः और ब्राह्मणानां प्रादुर्भाव दोनों एक ही ज्वाइंट उदाहरण है कि अलग अलग, दोनों ज्वाइंट उदाहरण है। ठीक है, हमें एक ही वाक्य में ये दोनों पे दोनों बताना है, नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं ओदनस्य पाचकः और दूसरा आप बता सकते हैं देवदत्तस्य कारकः, देवदत्तस्य कर्ता। ठीक है, ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पाचक भी हो गया। मैं कहना चाह रहा था कि ब्राह्मणानां प्रादुर्भाव में मैम, हाँ ही नहीं होगी तब सूत्र की, तो क्या ब्राह्मणानां प्रादुर्भाव इस उदाहरण में प्राप्ति है सूत्र की कर्तृकर्मणो, क्या नहीं है षष्ठी की प्राप्ति है ना कर्तृकर्मणोकृति से, इसी को बताइए मैम, थोड़ा इसमें नहीं समझ आ रहा। प्रादुर्भाव में घई प्रत्यय होने के कारण भाव बना ना, तो प्रादुर्भाव के प्रादुर्भवन्ति ब्राह्मणाः प्रादुर्भवन्ति, तो ब्राह्मणाः जो है यह कर्ता हुआ, तो कर्तृकर्मणोपकृति सूत्र से कृति प्रत्यय पर में है, प्रादुर्भाव घई प्रत्यय पर में रहने पर कर्ता हुआ ब्राह्मण, उसमें षष्ठी विभक्ति हो रही है, होनी भी चाहिए, यही होगी, यह तो हो जाएगी ना, कर्तृकर्मणोपकृति से तो हो जाएगी, लेकिन उभय प्राप्तौ कर्मणि की प्राप्ति तो नहीं होगी ना वहां पर, नहीं होगी, लेकिन यदि हम उभय प्राप्तौ कर्मणि में बहुव्रीहि समास न करके तत्पुरुष समास करेंगे जी, जी, तो जी, होगी। मैंने प्रश्न क्या हाँ, किया था कि हम बहुव्रीहि समास ही मैंने आपको प्रारंभिक क्यों बताया जी, बिल्कुल ठीक है, तत्पुरुष समास कर ले तो क्या दिक्कत है, तत्पुरुष समास करेंगे तो ये अर्थ नहीं निकलेगा कि एक प्रत्यय के निमित्त रहने पर, एक ही प्रत्यय के निमित्त रहने पर, एक ही क्रिया से लगे हुए प्रत्यय के निमित्त रहने पर, ऐसा अर्थ देने के लिए ही हम क्या करते हैं यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास करते हैं, बहुव्रीहि समास करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुई बात? आगे हम वार्तिक पढ़ते हैं, वार्तिक में चलते हैं, स्त्री प्रत्ययो हो
ककारयोर् नायम् नियमः। स्त्री प्रत्ययोः अककारयोः नायम् नियमः। ये दोनों विशेष्य विशेषण है। अ क, अ और क प्रत्यय कृदंत के, और वो कैसे होने चाहिए, स्त्री प्रत्यय भी यदि उसके अंदर होगा, ठीक है। स्त्री प्रत्यय निमित्तक अ प्रत्यय और क प्रत्यय, यदि ऐसे कोई भी प्रत्यय किए गए हैं तो वहां पर उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र नहीं लगता है, और कर्ता और कर्म दोनों जगह पर षष्ठी का विधान होता है, ठीक। क्या मैंने बताया अब नियम में, यदि कहीं अप्रत्यय किए गए हो, जैसे अच प्रत्यय होता है ना धातु से, अप्रत्यय भी होता है, तो जहां पे अ केवल बचता हो। दूसरा मैंने क्या बताया, ककारयो अ, और दूसरा मैंने क्या बताया, क, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्रत्यय जहां पर होंगे और साथ में कोई स्त्री प्रत्यय भी यदि हो, ठीक है, तो उधर पे ये नियम नहीं लगेगा, दोनों जगह होगा, हाँ नहीं लगेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर है भेदिका रुद्रस्य जगतः, रुद्रः जगतः भेदिका। मैम विविधता छूट रहा है क्या, भेदिका विविधता रुद्रस्य जगतः, हाँ विविधता, हाँ विविधता अगला उदाहरण है, ठीक है। वा बोला गया है ना, तो इसका मतलब इसको हमें अभी बताऊंगी बाद वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण क्या है, रुद्रस्य जगतः भेदिका, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो रुद्र जो है वह जगत के भेदक हैं, ठीक है। भेदिका यहाँ पर वैसे भेदक बनता है, टाप लगा देने से भेदिका बन जाएगा, हाँ टाप ला करके प्रत्यय बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर अक प्रत्यय है ना, भेद शब्द से आप अक प्रत्यय लेकर आए होंगे, डबल प्रत्यय लेकर के, तो उसको अक हुआ, तो अक में क है, ठीक। और स्त्री प्रत्यय भी है, स्त्री प्रत्यय निमित्त तक क है, क प्रत्यय भी है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, षष्ठी विभक्ति कर्ता और कर्म दोनों में ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्रस्य, रुद्र जो है वह भेदन करने वाले कौन है, रुद्रः कर्ता, हाँ। तो रुद्र में ये आप देख सकते हैं कि रुद्र में हमने षष्ठी विभक्ति का विधान किया है, ठीक है। रुद्रस्य कर्ता उसमें भी बना है, और दूसरा हमने किसमें किया है, जगतः में भी षष्ठी विभक्ति की गई है। मैम जो वार्तिक है बोलो, हाँ ये उभय प्राप्तो कर्मणि का निषेध है, हाँ हाँ उभय प्राप्तो कर्मणि, यहाँ पर कर्मणि का, कर्मणि की प्राप्ति थी, ठीक है। यहाँ पे भी कृदंत प्रत्यय है भेदक में, तो यहाँ पे कर्ता में भी प्राप्ति है, कर्म में भी प्राप्ति है, तो यहाँ पे केवल कर्म में होना चाहिए, तो कहा गया नहीं, यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय कैसा है, ककार के बाद में किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जो क्या बता रही थी मैं, कि यहाँ पर हम षष्ठी दोनों जगह करेंगे, कर्ता और कर्म दोनों जगह पर ही षष्ठी का विधान होगा, उभयत्र षष्ठी दोनों से कर्ति कर्मणो कृत से ही उभयत्र षष्ठी का विधान होगा ना फिर, हाँ हाँ जी। और प्रत्यय के बाद स्त्री प्रत्यय हो तभी केवल करेंगे, और कोई प्रत्यय के बाद नहीं, नहीं और जगह नहीं होगा, जब स्त्री प्रत्यय होगा तो ही विधान होगा। मैम जैसे प्रकृति स्त्री प्रत्यय किसी शब्द से केवल जो स्त्री प्रत्यय आएगा, केवल स्त्री प्रत्यय ही नहीं, कैसा स्त्री प्रत्यय होना चाहिए,
और पहली होना चाहिए या फिर क होना चाहिए या तो अक होना चाहिए। अकार का कार संयुक्त जो स्त्री प्रत्यय होगा उसी हाँ, में केवल ऐसा करके जी ठीक है। अ भी होगा तो भी चलेगा, होगा तो भी चलेगा, ऐसे करते अंतिम में क होना चाहिए, अ होना चाहिए, अक होना चाहिए, ऐसे। और का नहीं है स्त्री प्रत्यय है तो वहां पर नहीं होगा ना। हाँ वहां नहीं। ठीक, तो अगला कहा गया है जैसे उदाहरण में अभी जैसे बता रही थी अभी रचना की विभित्सा, रुद्रस्य जगतः विभित्सा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सन प्रत्यय किया गया है, सन प्रत्यय करने के बाद अच प्रत्यय हुआ है तो अ होने के कारण यहाँ, और ताप प्रत्यय आपने स्त्री को विवक्षा में कर दिया तो स्त्री प्रत्यय जो है वह अ के बाद है, अ के बाद होने के कारण ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुद्रस में भी षष्ठी हो जाएगी। हाँ, रुद्रस्य में भी हम षष्ठी का विधान कर देंगे। समझे? ठीक, तो ये इस प्रकार से हमारा बन रहा है। कहा गया कि देखिए सिद्धांत कौमुदी में शेषे विभाषा, और शेष में अब जो बच गए स्त्री प्रत्यय इनमें हमारा हमारी विवक्षा है, विभाषा विकल्प से दोनों के दोनों ही होंगे। ठीक है, एक भी हो सकता है। हाँ, षष्ठी भी हो सकती है, द्वितीया भी हो सकती है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये विचित्रा जगतः कृति करे है। जगतः हरे है कृति ही विचित्रा, यहाँ पे देखिएगा कृति ही शब्द है, कृति ही में कृत से तिन प्रत्यय हुआ है स्त्रीत्व विवक्षा में, तो स्त्री स्त्रियां तिन में, तो स्त्री प्रत्यय हुआ तिन, इससे पहले इस स्त्री प्रत्यय से पहले हम न अ देख रहे हैं न क देख रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम जगतः और हरे है, हरी जगत के कह, हरी की कृति है जगत, ऐसा कहना है, हरी की कृति जगत है, जगत बहुत ही विचित्र है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जगत जो है वह कर्म है और हरी जो है वह करता है, इन दोनों जगह पर कोई कुछ पूछ रहा है भैया आपके में नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? नहीं मैम, आपकी सुनाई दे रही है। अच्छा ठीक है, तो पहले भी आप मेरे को ही फिर सुन लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कर्ता हरि है उसमें भी षष्ठी होगी, हरे है जगतः कृति ही विचित्रा। ठीक है, ऐसा करके होगा, तो कृति में तिन प्रत्यय जो है वह स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय के कर्ता और कर्म दोनों जगह षष्ठी भी हो सकती है और द्वितीया भी हो सकती है। तो जैसे दूसरा एक और उदाहरण क्या है हमारा कि हरिणा, एक में कर्ता में नहीं हुआ है और एक में हुआ है, समझ में आई कि नहीं, एक में कर्ता में षष्ठी लगी है और एक में कर्ता में नहीं लगी, जब कर्ता में षष्ठी नहीं लगी तो हमने हरिणा कह दिया, हरिणा कृति ही विचित्रा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ जो दो वार्तिक बनाया गया है इसीलिए बनाया है कि अगर अकयो प्रत्यय के बाद होगा तो उसमें षष्ठी ही केवल करेंगे, यही ना? हाँ, बिल्कुल। और ये नहीं होगा तो ही होगी, मत उसमें कोई और विकल्प नहीं है वहाँ पे, नहीं, और अगर स्त्री प्रत्यय है वहाँ पे विकल्प होगा। हाँ, और स्त्री प्रत्यय को छोड़ के जो सारी जगह है वहाँ पर केवल कर्म में होगा, कर्ता में होगी ही नहीं। सेखे विभाखा करने का ये मतलब है जो और भी अन्य कोई कृत प्रत्यय के बाद स्त्री हो तो विकल्प से या तो द्वितीय कर दीजिए या षष्ठी कर दीजिए। हाँ ठीक है, क्लियर है बात? जी आप क्लियर। हाँ, तो अब एक और बात कही गई है कि केचित अविशेषेण विभाषाम इच्छन्ति, कुछ लोग अविशेष भी यदि रहे तो वहां पर भी विभाषा कहते हैं।
ठीक है ना, मतलब स्त्री प्रत्यय ना भी रहे और कुछ ऐसा विशेषण वगैरह नहीं बताया गया तो वहां पर भी विभाषा है। कैसे? तो आप लोग अभी पशपशानिक पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले जी, तो वहां पर आप क्या पढ़ते हैं? किमर्थम व्याकरणम शब्दानुशासन, ये शब्दानुशासन क्या है? शब्दानाम अनुशासन, अनुशासन शब्द में हमने क्या किया है? शासी धातु से ल्युट प्रत्यय किया है। अनुशासनम, किम अनुशास्ति, कौन अनुशासन कर रहा है? व्याकरण शास्त्रम अनुशास्ति, व्याकरण शास्त्रम किम अनुशास्ति, क्या अनुशासन, किसका अनुशासन, क्या अनुशासन करेगा? शब्दम अनुशास्ति, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने शब्दानाम में षष्ठी विभक्ति लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शब्दानाम अनुशासनम आचार्यस्य ऐसा भी कह सकते हैं और आचार्येण भी कर सकते हैं। कर्ता में हम षष्ठी विभक्ति भी लगाई जाती है जो आपकी कई प्रदीप में कही गई है, ठीक है। आचार्यस्य कह दिया गया तो आचार्य के शब्दों का अनुशासन, ठीक है। तो आचार्य करोति अनुशासनम, करता है तो कर्ता में षष्ठी का विधान हो जाएगा, जब अनभिहित है तो तृतीय लग गई। ये ध्यान रहे, ये षष्ठी तभी लगेगी कर्ता में जब कर्ता अनभिहित होगा। ठीक है, अभिहित में तो हमें प्रथमा ही लगाएंगे। हाँ, चाहे वो कर्ता हो कि कर्म हो, तो ये अभिहित का नियम नहीं है, ये अनभिहित के नियम है। क्लियर हुई बात जी मैम? यहाँ विभाषा कहा गया है। हाँ, विभाषा कर्मणी में षष्ठी हो अथवा कर्ता में षष्ठी अथवा उभय तो षष्ठी वहाँ है, अथवा कर्मणि षष्ठी द्वितीया वा, इसके लिए कर्म की बात यहाँ पे कही ही नहीं गई है, यहाँ पे कर्ता की बात हो रही है जी, कि कर्ता में षष्ठी हो जाए जी। क्योंकि कर्म में तो प्राप्त है ही है, लेकिन उभय प्राप्त हो कर्मणि क्या कर रहे है? कर्ता में निषेध कर रहा था जी, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि कर्ता में विकल्प से दोनों के दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पर कब होंगे, क्या शर्त है? सबसे बड़ी शर्त जब कर्ता क्या होगा, अविशेषण युक्त भी रहेगा तब भी अनभिहित होगा। हाँ, अविशेषण भी होगा तो हम विशेषण नहीं है तो, ठीक बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे आप लोग तो पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही कि त में होता है कि नहीं होता है। मया सेवितः हरि, आप अभी अभी प्रकाश झा पूछ रहे थे जब हम कर्तृकर्मणो कृति पे बात चल रहा रहे थे, तो आपने पूछा था कि हम त प्रत्यय में तो नहीं करते हैं जी, तो त प्रत्यय में करने के यही सूत्र है तस्य च वर्तमाने जी। ये ही सूत्र बता रहा है कि वर्तमान अर्थ में, वर्तमान काल के अर्थ में जब त प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वहां पे षष्ठी का विधान होगा, ठीक है। क्लियर हुई? जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कर्तु रीप्सित तमम कर्म सूत्र, आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे ईप्सित कर्तु रीप्सित तमम कर्म, यहाँ पे ईप्सित में त प्रत्यय है, ठीक है, और वह त प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त है, तो हम यहाँ पे कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं।
जैसे वहाँ कर्तुरीप्सित में हुआ है। हाँ, और जो मैं भी आपको कुछ देर पहले पाचक तम का उदाहरण दे रही थी, अभी मुझे ध्यान आया कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस एक सूत्र के द्वारा भट्टोजी दीक्षित प्रकृति सभी के सभी लोग परास्त हो गए। कि एक सूत्र में ही सीधा उन्होंने दिखा दिया है कि सृष्टि विभक्ति है तमम रहने पर भी। ईप्सित केवल अकेला प्रयोग तो ही नहीं, तमम भी लगा हुआ है, लेकिन सापेक्षता ईप्सित के साथ में है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम चलते हैं कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। यहाँ पे आपने देखा कि आपरी धातु से त प्रत्यय किया गया है वर्तमान अर्थ में, इसलिए कर्ता में हम षष्ठी विभक्ति का विधान कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुई। तो जैसे कि इधर उदाहरण भी है राज्ञां मतः, यहाँ पे देखिए हमने मैंने पहले भी बताया कि वर्तमान काल का अर्थ बोध होगा और ये कर्ता में होता है। यहाँ तो मैम जब नलोकाव्य निष्ठाक्षर्थ त्रिनाम सूत्र से निषेध की प्राप्ति होती है, फिर ऐसी अवस्था से वर्तमान से वहाँ प्राप्ति होती है, इसका मतलब अपवाद है ये अपवाद है। हाँ बिल्कुल, ये जो सामान्य जो है सूत्र जो वहाँ पे नलोकाव्य से भूतकाल में जो प्रत्यय होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रत्यय है वर्तमान काल के अर्थ में वहां पे हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। ठीक है, और हमेशा होगी नित्य। हाँ, इसमें ऐसा नहीं बताया है कि ऐसे वैसे होगी या विकल्प से होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये होती ही है। ठीक है, तो अगर आप इसमें तृतीय विभक्ति करते हैं तो आप गलत हैं। ठीक, तो इसमें क्या अर्थ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए राज्ञां मतः या राज्ञां पुत्रः, तो राजा जो है वह कर्त्री करता है। ठीक है, और क्योंकि त प्रत्यय जो है वह क्या है वर्तमान काल में हो रहा है, तो वह वर्तमान काल का बोध कराएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि मत का मतलब इच्छा हुआ, तो क्या होगा कि राज कर्त्रिक वर्तमान कालिक इच्छा विषय ऐसा करके बोधक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से राज्ञ पूजित बुद्ध या पूजित, तो राज कर्त्रिक राजा के राजा ने ही पूजा किया है। ठीक है, तो राज कर्त्रिक, समझ में आ गई, वर्तमान कालिक पूजन विषय ऐसा करके बोध। ठीक, राज्ञी पूजित राजी राज्ञा पूजित नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा राज पूजित। इस उदाहरण को एक बार और थोड़ा समझा दीजिए, राज्ञा मतो बुद्ध पूजितो वा। हाँ, ये उदाहरण है राज्ञा मत राज्ञा बुद्ध राज्ञा पूजित, एक उदाहरण है। ठीक है, तो राजा जो है ये यहाँ पर करता है। ठीक, और जो त प्रत्यय हुआ है वह कर्ता अर्थ में हुआ है। कर्म में तो पहले से ही प्राप्ति है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सूत्र है वो कर्ता में भी प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो कर्ता में यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा राज्ञा मतः, तो कर्ता है राजा, तो राज कर्तृक। ठीक है, मतः मतलब मेरी इच्छा ये है, तो इच्छा इच्छा विषय वर्तमान कालिक इच्छा विषय ऐसा करके शब्द बोध ऐसा होगा उसका। हाँ ठीक है, राज कर्तृक वर्तमान काल वर्तमान कालिक इच्छा अनुकूल व्यापार इच्छा विषय व्यापार इसलिए है ही नहीं आदि नहीं चल रहा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, इसके और विषय में ही तो प्रत्यय हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हर जगह हमें विषय को लगाना है। मतः बुद्धः पूजितः, हाँ ठीक है, पूजा विषयः ऐसा करके लगाना है। ठीक, तो ये चीजें हो जाएगी।
कहा गया कि अच्छा एक सूत्र एक श्लोक है आप लोग पढ़ते होंगे, किसी को याद है? अभीप्सितार्थ अभीप्सितानाम अभीप्सितानाम सिद्ध्यर्थम। नहीं नहीं ध्यान। गणेश जी का नहीं ध्यान आ रहा है। अभीप्सितानाम सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः। अच्छा यहाँ पे ये जब प्रायः करके जब मांगलिक कार्य होते हैं तो मांगलिक कार्य में क्या होता है कि हम गणेश जी की पूजा करते वक्त ये बोलते हैं कि जो सुर और असुर दोनों के द्वारा पूजित किए गए हों, ठीक है, तो उनको मैं अभीप्सित कार्य के लिए अब बिठा बुलाती हूँ। इस ये दूसरी पंक्ति होगी ना, ये तो अभीप्सितानाम सिद्ध्यर्थम। हाँ नहीं ये पहली पंक्ति है, पूजितो यः सुरासुरैः सर्व विघ्न हरस तस्मै। हाँ तो यहाँ पे इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे हम मेन जो हमारा वर्क है वो ये है कि पूजितः यः सुरासुरैः। यहाँ पे इस श्लोक में असुरैः पूज या सुरासुरैः ऐसा करके पूजितः के साथ क्यों कहा गया? पूजितः सुरासुरैः, सुरासुरैः में तृतीय विभक्ति क्यों लगाई है? ठीक है, तो क्योंकि त प्रत्यय है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे भी हमें षष्ठी विभक्ति लगा देनी चाहिए थी पूज धातु से, क्योंकि अर्थ भी है मति मति बुद्धि पूजार्थे भ्यः पूज धातु से तो त प्रत्यय लगता है ना। तो यहाँ किंतु हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो त प्रत्यय है वो भूत काल में है, भूत काल में होने के कारण यहाँ पे न लोकागे निष्ठा कलर त्रिणाम से निषेध होके हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जी तो आज यही रोका जाए। हाँ बस आज यही रहने देते हैं। जी जी आज की कक्षा में समझ में आया आप लोगों को? दो सूत्रों का सार मैम एक बार बता दीजिए। किन दो सूत्रों का? कर्त्री कर्मों कृति और इसके बाद दो एक सूत्र आया है। एक ही सार है वो ये है कि जब कृदंत प्रत्यय का योग जब भी होगा तो हमें कर्म में ही षष्ठी विभक्ति करनी है। पहला सार अनभिहित कर्म में कृदंत प्रत्यय के रहने परे रहने पर हमें कर्म में षष्ठी विभक्ति करनी है। ये इन दो सूत्रों का सार है। ठीक है, कर्ता में कब षष्ठी होगी? तो कर्ता में षष्ठी तब होगी जबकि वो स्त्री प्रत्यय भी पर में होगा तो। ठीक है जी। दूसरा यदि त प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होगा तो। नहीं मैम, ये सूत्र तो हम पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं, उभय प्राप्तो कर्मणी, और ये जो कर्ती कर्म कृति और गुण कर्मणी ये दो सूत्र का वही कह रहे थे। ये सूत्र यही कह रहे हैं कि गौण कर्म में, गौण कर्म किस वार्तिक है ना, तो गौण कर्म में जो गौण कर्म में क्या होता है, विकल्प से षष्ठी का विधान होगा। प्रधान कर्म में नित्य होगा, गौण कर्म में विकल्प से होगा। ठीक है, विकर्मक जो भी धातुएं होती हैं उनमें विकल्प से षष्ठी का विधान होता है। ठीक, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप दोनों में से कोई बताएगा, विभव था या प्रकाश कुमार था? क्या ये हिमांशु वाजपेयी के प्रश्न का समाधान करें कि ये पूछ रहे हैं गुण कर्मणि वेश्यते, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। गौण कर्म में षष्ठी होती है इस वार्तिक से। हाँ तो अश्वस्य नेता अश्वस्य शुग्नस्य वा, तो इसमें आप थोड़ा सा घटा शुग्न, यहाँ तो इस बार इस उदाहरण में जो है सो शुग्न देश जो है जहाँ हम गौ को ले जा रहे हैं जी, वह अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है, तो वहाँ भी हम शुग्नस्य कर दिए और विकल्प से एक बार शुग्नम कर दिए। हाँ गौण कर्म क्यों है ये? क्योंकि देवदत्त
देवदत्त अश्वस्य नेता, क्योंकि देवदत्त का देवदत्त रूपी जो करता है उसका क्रिया तो नेता है, उसका जो जो कर्म हो गया अश्व, प्रधान कर्म अश्व हुआ उसका, तो अश्व में तो हो ही गया, हो ही गई षष्ठी विभक्ति। अब कहाँ कुत्र नयति, या कहाँ ले जाता है, तो सुगणम सुगण स्थानम, तब वहां पर सुगणस्य में भी हम जो है सो इसी बावार्थिक से विकल्प से षष्ठी कर दिए, तो सुगणस्य हुआ, क्योंकि वो गौण कर्म है इसलिए। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मैम। इसका अर्थ ये होगा ना, नेता अश्वस्य मतलब अश्व को ले जाता है एक स्नुग्ध नामक देश, ऐसे ही। हाँ हाँ जी, स्नुग्ध देश, ये स्नुग्ध जो है वह क्या है हमारा, ये अधिकरण है, ठीक है ना, जो अकथितम जैसे इसमें गौण कर्म इसीलिए होगा। जी जी ठीक है। वो हम लेट से आए ना मैम, तो हमारी महावासी की कक्षा थी, उसके बाद फिर हम लेट से आए, इसलिए हम दो सूत्र नहीं पढ़ पाए थे, तो हम सोचे सारी पढ़ लें। पर कोई नहीं, अब समझ में आ गया ना। जी ठीक। अब कब होगी दीदी कक्षा? अब तो ये आज 3 बजे का 3 बजे होगी कक्षा शायद, अभी आज